इसका टाइम पीरियड बताना है तो तमाम क्वेश्चन बना सकते हो आप ऐसे, ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा मैं बता देता हूँ आपको। पहले तो यहाँ से ये फिक्स रहेगा हमेशा, क्योंकि रस्सी है, रस्सी तो एक्सटेंड होती नहीं है, इनएक्सटेंसिबल होती है स्ट्रिंग, तो ठीक, तो ये तो यहीं पे रहने वाला है। अब बिल्कुल सरल हो गया, इसको खींचोगे, इसको खींचोगे तो यही इसी स्ट्रिंग के अंडर में तो मूव करेगा, खत्म। टी बराबर 2π√m/k, इसको प्रूफ भी कर सकते हो आप। तो इसको प्रूफ आप करोगे, मैं इसी का दूसरा क्वेश्चन जो अच्छा है वो करता हूं। इसको प्रूफ करना है आप लोगों को, होम क्लास वर्क होमवर्क है तुम्हारा। अब देखो, मान लेते हैं कि ऐसा है, ये रस्सी, ये पुली, ये स्प्रिंग, ये स्प्रिंग रस्सी, ये पुली और ये ब्लॉक, ठीक, स्प्रिंग कांस्टेंट के, कह रहा है आप बताओ, मासलेस पुली है, कह रहा है आप बताओ। अभी अपन लोग मासलेस का कर रहे हैं, आगे पुली को भी, पुली में भी मास दे देंगे और फ्रिक्शन दे देंगे, बताओ ये पुली ऐसे, ये ब्लॉक ऐसे करोगे तो ये पुली ऐसे 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 ऑसिलेट करेगी। बहुत केस है SHM का एंड ही नहीं हो सकता कभी, बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं, बहुत ज्यादा। तो हमें बेसिक चीजें अगर पता होंगी, मेथड पता होंगे, तो हम लोग आराम से बड़े क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। तो बेटा देखो इसको हम लोग कैसे करेंगे, सिंपल है बिल्कुल। मैंने बोला था ये इक्विलिब्रियम मान लो आप, क्या मान लो, इक्विलिब्रियम। तो अगर आपने इसको इक्विलिब्रियम मान लिया है तो फिर आप क्या करोगे, स्प्रिंग में कुछ एक्सटेंशन मानोगे। तो मान लेते हैं स्प्रिंग में एक्सटेंशन एक्स नॉट है, तो लेट, अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा, शॉर्ट में लिखूंगा, लेट एक्स नॉट बराबर इक्विलिब्रियम एक्सटेंशन इन स्प्रिंग, इक्विलिब्रियम एक्सटेंशन इन स्प्रिंग, ठीक। इस इक्विलिब्रियम में ये एक्सटेंशन है स्प्रिंग में, चलो भाई अब देखो ये इक्विलिब्रियम है बेटा। अब हमें क्या करना है, इसको एक्सटेंड करके नीचे खींचना है बस, और क्या है। तो फिर ये एक्सटेंड हो जाएगी, देखो है ना, ऐसा हो जाएगा कुछ, ये रस्सी आ जाएगी है ना, ये देखो ये ऐसी पुली हो गई, ये हो गया, चलो ऐसा मान लेते हैं, ठीक। मतलब इनिशियल सिचुएशन ये थी और अभी ये पुली यहां आ गई, मैंने बोला था कि पुली से ही देखा जाता है ये स्मॉल एंड, ठीक। अब आप देखो जरा पुली कितना नीचे आई, तो पुली मान लेते हैं कि एक्स नीचे आई, अगर पुली एक्स नीचे आई तो ये ब्लॉक भी एक्स नीचे आया होगा, देखो सीधा डायरेक्ट कनेक्ट है भैया, तो ये आ गया एक्स नीचे, मतलब कि कुल मिला के हमने इसको एक्स नीचे खींच के छोड़ दिया। अब ये कंडीशन अलग हो गई, अब समझो ध्यान से समझो, ये पुली का लेवल था पहले, पुली यहां पे थी पहले, ठीक। अब मैंने इस पुली को, ये सेंटर को पुली के यहां से कहा इतना खींच दिया, तो ये देखो एक्स नीचे आ गया, ये एक्स है। अब जरा देखो ये वाली जो स्प्रिंग, स्प्रिंग और रस्सी है बेटा, ये जो स्प्रिंग है और ये रस्सी जो है, स्प्रिंग और रस्सी, इनका लेवल देखो यहां पर, ठीक। अच्छा पहले एक बात बताओ, क्या ये रस्सी बढ़ सकती है, नहीं बढ़ सकती, रस्सी कभी नहीं बढ़ सकती है ना। तो ये रस्सी जो इतनी थी ना, वो अभी भी यहां इतनी ही है, ठीक। अब यहां पे ये एक्सटेंशन और ये एक्सटेंशन कहां से आया, ये दोनों ही एक्सटेंशन एक्चुअली में स्प्रिंग का एक्सटेंशन है, समझे। मतलब कि जब आपने इस पुली को यहां खींचा तो ये ब्लॉक तो एक्स नीचे आ गया, लेकिन ये देखो ये वाली रस्सी इतनी बढ़ गई और ये रस्सी इतनी बढ़ गई, मतलब इस साइड इतना बढ़ गया, इस साइड इतना बढ़ गया, लेकिन ये दोनों ही, ये और ये एक्सटेंशन एक्चुअली में स्प्रिंग के ही एक्सटेंशन है, क्योंकि रस्सी तो एक्सटेंड हो ही नहीं सकती, रस्सी तो इनएक्सटेंसिबल होती है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप इस केस में, ये दूसरा पहले वाला केस अलग था, ये अलग है, उसका एक्स वाई टू होता था स्प्रिंग में, इसमें डबल होता है, तो अगर ये एक्स नीचे आया तो स्प्रिंग में डबल एक्सटेंशन हुआ, तो ये एक्स, तो स्प्रिंग में 2x। तो पहले तो ये इक्विलिब्रियम बनाओ इसका, तो यहां पे ये mg, ये t नॉट, ये t नॉट by 2, ये t नॉट by 2, तो यहां से मैं लिखूंगा t नॉट बराबर mg, और यहां लिखूंगा
टी नॉट बाई टू, ये तो के एक्स के बराबर होगा, तो के इंटू एक्स नॉट माना था मैंने, यहां रख दो इसको, तो एम जी बाई टू बराबर के एक्स नॉट, इसको मैंने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई मेरी पूरी। अब बेटा देखो ध्यान से, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, अभी सिर्फ इक्विलिब्रियम बनाया है मैंने, एक्चुअली मैं तो क्वेश्चन देखा जाए तो खत्म हो गया है, एक्चुअली मैं क्वेश्चन हैज बीन फिनिश्ड, बट थोड़ा सा और बता देता हूं। देखिए इसको कितना नीचे खींचा था मैंने, ये कितना था एक्स, सॉरी इसको यहां से मैंने यहां तक खींच दिया, यहां तक खींच दिया है, तो एक्सटेंशन जो है इसका कितना है, ये पूरा एक्स है, ठीक, ये ना इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, ठीक, समझ गए ना। अब देखो ध्यान से, तो अब मैंने इसको खींचा, एक्स नीचे खींच दिया इसको, मतलब ब्लॉक भी इक्विलिब्रियम से एक्स ही नीचे गया होगा, आप इसको एक्स लिख दो, ये पुली का वो है एक्सटेंशन, पुली नीचे आई, मतलब इन दोनों के एक्सटेंशन के लिए मैंने बनाया इसको, लेकिन एक्स इसका कहां है, इक्विलिब्रियम से ये कितना नीचे आया, इतना, ठीक, ये भी एक्स होगा। अब इसको खींच के, खींचा जाता था और छोड़ दिया, तो नीचे देखो एम जी, ऊपर टी मानूंगा, नीचे टी, ऊपर देखो ये टी बाई टू, नया टेंशन टी होगा, पहले टी नॉट माना था, ये टी बाई टू, और अभी अब स्प्रिंग का देखो ध्यान से, तो स्प्रिंग में पहले एक्सटेंशन कितना था एक्स नॉट, स्प्रिंग का एक्सटेंशन पहले वाला कितना था एक्स नॉट, और अभी मैंने इसको एक्स नीचे खींचा तो स्प्रिंग में टू एक्स हुआ, मतलब स्प्रिंग का हो गया एक्स नॉट प्लस टू एक्स, तो फिर से इसका एक्सलेशन ऊपर होगा ये, तो अब मैं पहले तो पुली इक्विलिब्रियम बना रहा हूं, पुली इक्विलिब्रियम, तो क्या लिखोगे अब देखो, ऊपर हो गया पुली पे टी, ठीक, तो ऊपर टी, तो पुली इक्विलिब्रियम, पुली इज एन इक्विलिब्रियम, चलो छोड़ो, अब ये बताओ टी बाई टू बराबर क्या होगा, तो टी बाई टू बराबर होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछ रहा हूं मैं, टी बाई टू बराबर क्या होगा, टी बाई टू है क्या स्प्रिंग फोर्स, तो स्प्रिंग फोर्स बराबर क्या होता है, के इंटू एक्सटेंशन, और एक्सटेंशन कितना है एक्स नॉट, तो पहले ही था और टू एक्स अभी हुआ ये, ठीक, समझ गए होंगे। अब इसका, इसके लिए क्या लिखोगे, फॉर ब्लॉक नेट फोर्स टुवर्ड्स, नेट फोर्स टुवर्ड्स इक्वली ब्रियम, बोलो क्या, बोलो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी माइनस एम जी, तो टी माइनस एफ, मतलब ऐसे लिखेंगे एफ बराबर टी माइनस एम जी, तो एफ बराबर, और मैंने बोला था टी माइनस एम जी लिख के आगे माइनस, तो माइनस टी कितना है, ये लिखा टी के एक्स नॉट प्लस टू एक्स माइनस mg, चलो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, और f को चलो मैं लिख देता हूं, f ही लिख देता हूं, तो f बराबर माइनस k, मतलब मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो माइनस k x नॉट माइनस 2kx, माइनस k x नॉट माइनस 2kx, और ये प्लस mg, ठीक है बेटा। अब देखो ये mg बराबर 2kx नॉट, mg बराबर एक्स नॉट प्लस टी बाई टू बराबर के एक्स नॉट प्लस टू एक्स, सही है ना, तो टी बराबर टू के होगा ना, यहां पे टी बराबर टू के, टू के, तो ये टू के और ये फोर के, सही है, सॉरी मैंने यहां पे टी की जगह पे ये लिख दिया था। चलो अब देखो इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया अंदर हमने, अब इक्विलिब्रियम फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट क्या था एम जी बाई टू बराबर के एक्स नॉट, मतलब mg बराबर 2k x नॉट, तो देखो ये mg और 2k x नॉट खत्म, तो f बराबर क्या बचा माइनस 4k x, इसकी जगह m इंटू a, तो a बराबर माइनस 4k अपॉन m इंटू x, पहले क्या आया था याद है, पहले आया था k अपॉन 4m और अभी आ गया 4k अपॉन m। अब इसमें फिर आ जाओ, पहले तो ये कांस्टेंट है और ये SHM हो गया प्रूफ, प्रूफ हो गया कि ये SHM है। अब आ जाओ तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कंपेयर करोगे तो ओमेगा स्क्वायर आ गया 4k अपॉन m, तो ओमेगा बराबर अंडर रूट 4k अपॉन m, तो फिर t बराबर कर लोगे 2 पाई अपॉन
ओमेगा, दैट्स ऑल। बेटा हम लोग ये मान लो हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग ठीक, इसका कांस्टेंट है के, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं डिपेंडेंस ऑफ के ऑफ स्प्रिंग ऑन इट्स लेंथ, ऑन इट्स लेंथ एंड रिमेनिंग क्वांटिटीज रिमेनिंग क्वांटिटी मतलब इसका जो रेडियस का ये मतलब ऐसे ऐसे जो लूपिंग हो रही होगी ना इसमें, इसकी रेडियस कांस्टेंट रहे और वायर का मटेरियल ना बदले, है ना, बाकी सब चीजें कांस्टेंट है, सिर्फ लेंथ वेरी कराएंगे अपन लोग, ठीक। ऑन इट्स लेंथ एंड ब्रैकेट में लिखना रिमेनिंग क्वांटिटीज रिमेन्स कांस्टेंट, क्लियर। तो लेंथ पे कैसे डिपेंड करती है स्प्रिंग का कांस्टेंट कैसे डिपेंड करता है, तो आप ध्यान रखोगे अगर इसकी लेंथ है एल तो ये होता है के प्रोपोर्शनल वन अपॉन, ठीक। पहले तो के का मतलब समझो, के का मतलब क्या है, स्टिफनेस, के का मतलब स्टिफनेस मतलब टाइटनेस। तो अगर के ज्यादा है, के ज्यादा है तो उसको एक्सटेंड करने में उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा, ठीक, ये ध्यान रखें, हमने बता चुके हैं आपको। तो अब कॉमन सेंस की बात है, एक मान लीजिए हमारे पास एक छोटी सी स्प्रिंग है और अगर मैं कहूं तुमसे कि एक्सटेंड करो 5 सेंटीमीटर इसको, और एक बड़ी स्प्रिंग है और उसको एक्सटेंड करने के लिए कहें हम आपसे 5 सेंटीमीटर, तो आपको छोटी स्प्रिंग को एक्सटेंड करने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ये प्रैक्टिकल बात है और कॉमन सेंस की बात है, आप सबने ऐसा फील किया भी होगा, ठीक है। ओके, आप ऐसे समझ लो एक छोटी सी रबर है, रबर का वायर है, अगर मैं तुमसे कहूं छोटा रबर के वायर को 3 टाइम्स करो लेंथ को, मतलब 5 सेंटीमीटर बढ़ाओ, फोर्स लगाना पड़ेगा। और बड़ी रबर की वायर दे दें हम वैसी ही मटेरियल की सब कुछ वैसे ही, तो थोड़े से फोर्स में ही वो वायर बढ़ जाएगा, मतलब स्टिफनेस लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्लियर। तो ये हमें ध्यान रखना है हमेशा। तो इसका के है, अब मैं इसको कट कर दे रहा हूं, ठीक, क्वेश्चन आता है इसका ध्यान से सुनना, सरल होता है बिल्कुल। मान लो मैंने 2:3 के रेशियो में इसकी लेंथ को कट कर दिया, 2:3 मतलब ये 2x और जो दूसरा पार्ट है 2:3 में कर रहे हैं, चलो ठीक है, ये 2:3 मतलब ये 3x पार्ट है ना, लेंथ x, कौन रेशियो इसकी लेंथ का L1 बराबर 2x मान लिया, इसका L2 2x मतलब L1 रेशियो S2 क्या था 2:3, ये समझ गए। अब कह रहा है बताओ इन दोनों के स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होंगे, ठीक है बता देंगे। सबसे पहले इसका देखो k प्रोपोर्शनल 1/L फर्स्ट इक्वेशन, पहले तो इससे हमने इक्वेशन वन बना ली। अब इसका बताओ, इसका मान लो k1 है और इसका है मान लो k2, तो इसका क्या बोलोगे आप, k1 प्रोपोर्शनल, बहुत सरल है। अब मैं सिंपल तरीका बता रहा हूं, और भी तरीके हैं, देखो ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, हटाओ इसको, k बराबर कर लो, एक कांस्टेंट आएगा a, जहां ये a क्या है, एक कांस्टेंट है जो बाकी चीजों पे डिपेंड कर रहा होगा स्प्रिंग की, ठीक, मटेरियल पे, रेडियस पे। तो k बराबर a/L, इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। अब देखना बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, तो k1 प्रोपोर्शनल 1/L1 और यहां k2 प्रोपोर्शनल 1/L2। अब K1 बराबर A, A नहीं बदलेगा क्योंकि A मटेरियल तो वही है इनका भी, तो A/L1 और इसका K2 बराबर हो जाएगा A/L2। बेटा सिंपल सी बात बताई मैंने, है ना। अब क्या करोगे आप, देखो A की वैल्यू यहां देखना ध्यान से, A की और L1 की वैल्यू यहां पे डाल दो आप, ठीक। तो देखो K1 बराबर ऐसे कर लो, K1 बराबर A, A क्या है, ये है ना, ये ठीक, और L1 प्लस L2 को यहां से लिख सकते हो आप, L1 प्लस L2 बराबर कितना हो जाएगा, देखो L1 प्लस L2 L है ना, और यहां से देखोगे तो कितना आएगा 5x, तो L1 प्लस L2 बराबर 5x बराबर L, तो इससे तो हम x निकाल लेंगे L के फॉर्म में, और यहां पे L वो
तो यहाँ पे x x की वैल्यू l के फॉर्म में आ जाएगी हमारी, तो यहां डाल सकते हो आप लोग इसमें, है ना। तो ये देखो क्या आ जाएगा, 2 l अपॉन 5 x की वैल्यू, l वन हो गया, 2 x की वैल्यू कितनी है l अपॉन 5, यहां से देखो ये 3 और l अपॉन 5, सिंपल सी बात है, ये तो बेसिक बात है छोटे छोटे बच्चे जानते हो, ठीक है। अच्छा अब देखो जरा यहां पे के वन बराबर a, तो a यहां से आ गया कितना, k इंटू एल यहां से, और अपॉन l1 ये लिखा देखो 2l अपॉन 5, क्या हो गया देखो l से l खत्म, 5k/2, और इसका क्या आ जाएगा, k2 बराबर a की वैल्यू kl अपॉन l2 की जगह 3l अपॉन 5, l से l खत्म, देखो ये 5k/3 सही है ना, ये 5k/2 ये 5k/3। अब समझो इसको, और अगर मैं इन दोनों को फिर से जोड़ दूं ऐसे, तो ये बना दूं, तो कौन से पर कौन से ग्रुप में जोड़ोगे इसको, ग्रुपिंग में सीरीज में जोड़ना पड़ेगा, तो हम ऐसे भी वेरीफाई कर सकते हैं इसको, देखो 1 अपॉन k डैश, मतलब इसको इसको जोड़ो k और k, इसको सीरीज में, तो 1 अपॉन k डैश मान लिया आया, तो 1 अपॉन k डैश बराबर 1 अपॉन k1 कितना 5k/2 प्लस 1 अपॉन k2 सीरीज में, यही तो फॉर्मूला होता है 5k/3, तो 1 अपॉन k डैश बराबर क्या हो गया 5 अपॉन 5k, मतलब 1 अपॉन k, तो k डैश बराबर क्या आ गया k, देखो आ गया ना वही जो इसका था। तो ये स्प्रिंग का कटिंग का फॉर्मूला है, आप लोग समझ गए होंगे, बड़ी सिंपल सी बातें हैं। अब देखो हम लोग कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। देखिए बेटा देखना ध्यान से, मान लेते हैं हम लोग देखो बेटा मान लेते हैं, अगर मैं आपसे कहूं, बहुत छोटा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले समझो इसको ध्यान से। मैंने बोला आपसे कि स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, यहां पे है एम मास के कॉन्स्टेंट, ठीक। अच्छा चलो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है लिख देना। अच्छा इक्विलिब्रियम पोजीशन एक्स बराबर 0, इसका एम्पलीट्यूड है ए, मतलब ये प्लस ए और ये माइनस ए, ठीक ये है। अब देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन करा रहे हैं, मतलब मैं क्वेश्चन का एक अच्छे क्वेश्चन का एक पार्ट आपको बता रहा हूं, ठीक है, पहले इस पार्ट को समझो तो बड़ा क्वेश्चन भी कर लोगे आप। तो मैंने इसको क्या किया, ए एम्पलीट्यूड तक खींच कर छोड़ दिया, तो क्वेश्चन क्या है, अ ब्लॉक ऑफ मास एम कनेक्टेड विद अ स्प्रिंग ऑफ कॉन्स्टेंट के इज ऑसिलेटिंग विद एम्पलीट्यूड ए, क्लियर, आधा क्वेश्चन हो गया आधा बताऊंगा अभी। व्हेन द ब्लॉक वॉज पासिंग ये, समझो इसको ध्यान से, अब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन, और जब ये ब्लॉक यहां से पास हो रहा था और जा कहां आ रहा था, ऐसे कितनी स्पीड से, यू स्पीड से, ठीक है। अब इसकी स्पीड आप निकाल सकते हो यू, तो x कितना है a/2, ठीक प्लस a/2। व्हेन द ब्लॉक वॉज मूविंग टुवर्ड्स राइट एक्सट्रीम एंड एट x बराबर a/2, ठीक, देन हमने क्या किया, एक इंपल्स लगा दिया इसको, देखो इंपल्स लगा दिया, इंपल्स लगा दिया मतलब कैसे नहीं, एक फोर्स लगा दिया, कोई ब्लॉक नहीं टकराया, ऐसे ही हमने ऐसे हाथ से देखो ऐसे कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी u थी पहले, इसकी वेलोसिटी हो गई v, पहले वेलोसिटी की थी क्या थी u, और बाद में कितनी हो गई इंपल्स लगाने के बाद v, बाद में हो गई v, तो कह रहा है बताओ v वेलोसिटी हो गई, ये दिया है हमें, कह रहा है फाइंड द न्यू एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन,
तो देखो फ्रीक्वेंसी में तो कोई चेंज पड़ेगा नहीं, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी ओमेगा टी, ओमेगा बराबर रूट के वाई एम, वो तो वही रहने वाला है, कोई मास तो लगा नहीं दिया इसमें, इंपल्स लगा दी बस, है ना। तो यहां पर पहले वेलोसिटी यू थी, अब हमने बी दे दी, मतलब यू इज ग्रेटर देन बी, मान लो वी इज ग्रेटर देन यू, अब वी वेलोसिटी ज्यादा, मतलब हमने यहां पे वेलोसिटी ज्यादा कर दी तो इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा हो गया, अब ये और दूर तक जाएगा, है ना, इसका एम्पलीट्यूड हो गया ए डैश, ठीक, और यहां उतना ही नेगेटिव ए डैश में आएगा फिर, ठीक। अब ये बताओ, मैंने बताया था आपको कि इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई तो मतलब टाइम पीरियड चेंज नहीं हुआ, तो चाहे तुम धीमे एम्पलीट्यूड ज्यादा कर दो चाहे कम कर दो, टाइम पीरियड तो उतना ही रहेगा, ओमेगा वही रहने वाला है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि बताओ इसका नया एम्पलीट्यूड क्या होगा, और नया एम्पलीट्यूड क्या होगा और एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लगेगा, ये हमें पता करना है, ठीक। चलो भाई देखते हैं, ध्यान से समझो इसको पूरा, ओमेगा तो वही रहने वाला है, ठीक। तो न्यू एम्पलीट्यूड, न्यू एम्पलीट्यूड बराबर ए डैश बराबर क्या, ये कह रहा है बता दो, ठीक, चलो बता देंगे। सबसे पहले तो पोजीशन एक्स बराबर ए बाई टू है, मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट तो एक्स बराबर ए बाई टू ही है ना, तो पहले वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ, तो नई वेलोसिटी वी, न्यू वेलोसिटी एट एक्स बराबर ए बाई टू, वी बराबर होता है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वी की जगह पे, वी की जगह वी, पहले तो यू थी अब वी हो गई, तो वी बराबर ओमेगा स्क्वायर कर दो इसका, एक सॉरी ए की जगह ए डैश आएगा, स्क्वायर कर दो तो ये वी स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब पुट करो एक्स बराबर ए बाई टू और ए की जगह कितना है ए डैश, ठीक, ए डैश, तो वी स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर बराबर बोलो के बाई एम, और ब्रैकेट में देखो ए डैश स्क्वायर माइनस बेटा ये ए माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू ए बाई टू, जहां ए पहले वाला एम्पलीट्यूड है तो ए स्क्वायर बाई फोर, ये ध्यान रखना एक्स की वैल्यू तो पहले वाले एम्पलीट्यूड के हिसाब से ही दी है ना, समझे कि नहीं, ठीक है। हाँ अब देखो ध्यान से, तो v बराबर v स्क्वायर यहां पे लिख जाऊ m अपॉन k बराबर a डैश स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई फोर, तो देखो ये a डैश स्क्वायर बराबर हो गया a स्क्वायर बाई फोर प्लस एम बी स्क्वायर बाई k, तो a डैश बराबर अंडर रूट, ठीक बेटा, ये तो हमारा आ गया क्या एम्पलीट्यूड आ गया नया। अब इसको देखो बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा खतरनाक टाइप का है, बहुत मजा आएगा लेकिन अगर आप समझ गए तो। देखो ये नया एम्पलीट्यूड तो आ गया हमारा, बात खत्म हो गई, छोड़ो। अब ये बताओ, अगर देखो क्वेश्चन फिर से सुनो, क्या था a बाई टू, यहां पे a बाई टू पे था ब्लॉक, ब्लॉक ए बाई टू पे था, ऐसे चला जा रहा था यहां पे, कितनी स्पीड से यू स्पीड से, कहां तक जाता प्लस ए तक, ठीक। अब ये बताओ ये ए बाई टू से ए तक जाने में कितना टाइम लगता है, ए का हाफ है ना ए बाई टू, तो जाने में कितना टाइम लगता है, मैंने बताया था मीन पोजीशन से ए बाई टू तक जाने में टी बाई ट्वेल्व, और हाफ से एक्सट्रीम तक टी बाई सिक्स, डबल लगता है उसका, है ना, बिल्कुल क्लियर है। अब ये बताओ यहां ये ए बाई टू से ए डैश तक जाने में कितना टाइम लगेगा, सोचो, क्या देखो यहां पे ए बाई टू ये ए का हाफ है, लेकिन जब ये सिचुएशन में तुमने वेलोसिटी को बी कर दिया तब इसका एम्पलीट्यूड ए रहा ही नहीं, एम्पलीट्यूड ए से बढ़ गया ए डैश, मतलब ये ए बाई टू जो है वो हाफ नहीं है इसका, मिड पॉइंट नहीं है, तो ऐसे नहीं बोल सकते कि यहां से यहां तक टी बाई ट्वेल्व और यहां से यहां तक टी बाई सिक्स, ठीक, क्योंकि ये मिड पॉइंट नहीं है, मिड पॉइंट कहां होगा, एम्पलीट्यूड बढ़ गया, ये पहले वाले एम्पलीट्यूड का मिड पॉइंट है, नया वाला एम्पलीट्यूड ज्यादा हो गया तो मिड पॉइंट यहां कहीं होगा, और ये होगा यहां पे एक्स बराबर ए डैश बाई टू, ठीक, वो नहीं पता कितना, वो निकाल सकते हैं ए डैश निकाल चुके हैं हम लोग, ठीक, कितनी बात समझ में आ गई होगी। अब मैं अगर तुमसे पूछूं टाइम पीरियड बताओ,
टाइम पीरियड बताओ नया, तो वही है नया टाइम पीरियड टी बराबर 2.0 mi के। मतलब इसका कि यहां से देखो, यहां से ए डैश तक, फिर यहां माइनस ए डैश तक, और फिर यहां तक आने में उतना ही टाइम लगेगा जितना पहले लगता था, जितना पहले लग रहा था उतना ही टाइम लगेगा। एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया तो वेलोसिटी भी तो बढ़ गई यहां पे, समझे। और एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता टाइम पीरियड। मैंने बोला था अगर फोर्स, अगर फोर्स कॉन्स्टेंट चेंज नहीं हो रहा है तो टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पे कभी भी डिपेंड नहीं करता है, समझ गए ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं टाइम पीरियड पूछूं तो अभी भी वही लगेगा, लेकिन अगर मैं तुमसे यहां पूछूं यहां से यहां तक कितना टाइम लगेगा, यहां से यहां तक टी बाई 12, जहां टी क्या है, टी क्या है 2π√mi/k, तो यहां से यहां तक टी बाई 12, यहां से यहां तक टी बाई 6, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, वो तो पहले ही वाला लगा होगा, हमें उससे मतलब नहीं है, वो तो वही होगा टी बाई जो होगा पहले यहां से वही यहां लगेगा, लेकिन अभी यहां पे टाइम पीरियड इसका यहां से आगे तक जाने का टाइम कुछ और होगा, ठीक है, क्योंकि ये मिड पॉइंट नहीं है, समझ गए ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब मैं निकाल सकता हूं, मुझसे पूछा जा रहा है बताओ भैया यहां से कहां से a by 2 से एक्सट्रीम पोजीशन, कौन सी नई एक्सट्रीम, नई पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो मुझसे ये पूछा जा रहा है, ठीक। अब फेजर का यूज करो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मैं सॉल्व करके आपको पूरा दिखाता हूं। ए डैश की वैल्यू ये है, मैं लिख लेता हूं यहां पे, या ए डैश मैं निकाल चुका हूं, अब मैं लिखूंगा नहीं बार बार, ठीक है। चलो तो सबसे पहला काम होता है ए डैश निकालना, ठीक। चलो अब देखो फेजर, तो फेजर बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा, फेजर से, ठीक है, या आप बिना फेजर के भी कर सकते हो इसको, सीधी इक्वेशन लिखनी है। क्या बोल रहा है, कह रहा है कि यहां से यहां तक जाने का टाइम बता दो, ठीक। तो क्या करोगे, सबसे पहले यहां से मीन एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने का टाइम पूछ रहा है वो हमसे, ठीक है। तो हम लोग देखो क्या करते हैं, फेजर से ही बता देता हूं। सबसे पहले तो इसकी मीन पोजीशन, मीन पोजीशन ये है, ठीक। ओ अब बेटा देखो, इसमें नया एम्पलीट्यूड हमारा ए डैश है, तो पहले ये फेजर और पार्टिकल बनाओ दोनों, तो फेजर ये है ए डैश, ए डैश जो कि ग्रेटर देन ए है, ठीक। अच्छा अब ये ए डैश हो गया, ए कहां है, ए बाई टू से, ए डैश बाई टू से पहले ही है ये, मतलब यहां कहीं है ये, ठीक। कितना है ये, ए बाई टू, ये लिख दिया मैंने ए बाई टू, ठीक, कितना, समझ गए। अब देखो जा कहां रहा है, आपको याद है पूरा बताया था, फेजर यहां जाता है, ये यहां आता है ना, समझ गए ना। तो कहां पे है, ये है पार्टिकल यहां है, तो फेजर, फेजर यहां है, ठीक। फेजर कहां जा रहा होगा, ऐसे, पार्टिकल कहां जा रहा है, ऐसे। अब फेजर का बनाओ सर्कल, रेडियस बनाओ, फेजर चलाने के लिए हम क्या रेडियस चलाते हैं, रेडियस वेक्टर को घुमाते हैं ओमेगा कॉन्स्टेंट से, तो ये हो गया ए डैश, ठीक। अब बेटा कितना सरल है, आप ये देखो, इसको ये थीटा है, ठीक है, ये थीटा, पार्टिकल को यहां से जाना है यहां तक, फेजर को, फेजर को देखो ये है फेजर, और यहां से इतना चलना है, इतना ओमेगा वही है जबकि, है ना। तो टाइम क्या होगा, टाइम टू रीच फ्रॉम ए बाई टू टू न्यू एक्सट्रीम पोजिशन ए डैश इज टी इक्वल थीटा अपॉन ओमेगा, यही तो होता है टी बराबर थीटा अपॉन ओमेगा। अब थीटा कितना है, ये तो कितना सिंपल है, थीटा निकालना, क्या करोगे थीटा के लिए, ये क्या है हमारा ए डैश और ये क्या है ए बाई टू, है ना। तो क्या लगाते हैं इसमें, हम कॉस थीटा लगा दो इसमें, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल बेस ए बाई टू अपॉन हाइपोटेनस मतलब ए डैश, तो बराबर निकाल चुके हैं ए डैश निकाल चुके हैं, रख दोगे तो थीटा आ गया। अब तो टी बराबर हो गया, थीटा कितना है, तो थीटा आ गया हमारा कॉस इनवर्स ए अपॉन
टू ए डैश, क्लियर। तो यहां टी बराबर हो गया, टी बराबर हो गया थीटा कितना, कॉस इनवर्स ए अपॉन टू ए डैश और अपॉन ओमेगा, ओमेगा बेटा वही अंडर रूट के वाई एम, ठीक। ये हमारा टाइम आ गया कौन सा, यहां से फेजर का यहां तक जाने वाला या फिर पार्टिकल का यहां से यहां तक जाने वाला, समझ में आया, ठीक है, ओके। अब अगर ये ए डैश और ए बराबर होते, देखो ए डैश और ए बराबर कर दो तो फिर वही आ गया, देखो कॉस इनवर्स वन बाई टू, थीटा कितना जाएगा 60 डिग्री, ठीक 60 डिग्री कवर करना है क्योंकि 30 तो कवर हो चुका है, 60 कवर करने को रह गया है अभी, ठीक, ओके। तो अब ये फेजर से मैंने किया, अब इसी को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक, इसी को दूसरे तरीके से कैसे लिखें देखो। अब ये बताओ यहां से यहां तक का टाइम कितना है, यहां से यहां तक का टाइम, यहां से यहां से यहां तक का टाइम वो नहीं बदलेगा, वो तो वही रहने वाला है, एम्पलीट्यूड कुछ भी हो, मतलब यहां से यहां तक का टाइम टी बाई फोर ही रहेगा, जहां टी क्या है वही पहले वाला टाइम है, टाइम पीरियड तो अभी भी वही है टू पाई अंडर रूट एम बाई के, ठीक। लेकिन अब चलना ज्यादा था उसको, अगर ये एम्पलीट्यूड वही रहता तो ए बाई टू तक जा चुका है, ए बाई टू और चलना था, लेकिन अगर टाइम पीरियड चेंज हो, वो एम्पलीट्यूड बदल दिया तुमने तो ये पोजिशन बदल गई इसकी, ठीक है, मतलब अब इसको आगे जाने में कुछ और टाइम लगेगा, कुछ और टाइम लगेगा यहां से यहां तक, और फिर जब ये देखो ध्यान समझो वापस आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा, यहां से यहां तक का टाइम कुछ और होगा इसका, देखो पहले यहां से यहां तक का टाइम कितना आता, यहां से यहां तक का टी बाई सिक्स, टी बाई सिक्स, लेकिन वो तब था जब एम्पलीट्यूड ए था, अब नहीं है, यहां से यहां तक का टाइम इस केस में जब तुमने यहां वेलोसिटी वी कर दिया, अब तुम ऑसिलेट कराओ इसको, तो जब ये घूम के वापस आएगा तो यहां से यहां तक टी बाई सिक्स में नहीं जाएगा, टी बाई सिक्स से भी कम लगेगा इसको, क्योंकि ये हाफ से भी पहले है अभी, समझे ना। तो ये हो गया हमारा एक तरीका किसका, इसको सॉल्व करने का, ठीक है। अब दूसरा आप या तो आप ये एंगल देख लिया आपने, है ना, कि हमें इतना चलना है फेजर को, यहां से यहां तक चलना है, मैंने यही पूछा भी था आपसे क्या, कि फाइंड टाइम टू रीच फ्रॉम ए बाई टू टू ए डैश, तो ये हमने निकाल दिया ए बाई टू टू ए डैश। अब इसको दूसरे तरीके से निकाल सकते हो कि देखो इतना एंगल कवर नहीं, इतना एंगल कवर करना है, इतना एंगल कवर करना है ना। अब आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि यहां से यहां तक का टाइम निकाल दिया हमने, ठीक। अब आप ऐसे बोल दो इसको, देखो बेटा ध्यान सुनना, ये एंगल, ये एंगल और ये 90, ये 90 और ये 90, देखो फेजर को यहां से यहां तक जाना है तो इतना कवर करना है, इतने में टाइम निकाल दो, सीधा आ गया ओमेगा इन ओमेगा अपॉन टी थीटा अपॉन ओमेगा, या फिर ऐसे बोल दो कि जो फेजर को यहां से पूरा इतना कवर करने में लगता कितना टी टू बाई अंडर रूट एम बाई के, उसमें से देखो टाइम सुनना ध्यान से, टी बराबर पूरा टाइम कवर करने में जो एक ऑसिलेशन करने में जो लगता है, मतलब फेजर को पूरा यहां से यहां तक चलने में जो लगता है वो टी है, लेकिन उसमें से कम, उसमें से कितना कम, इतना ये मतलब ये पूरा इतना कवर तो इतना करना है ना यार, पूरा कवर करने में कितना टाइम लगता, पूरा कवर करने में यहां से और यहीं तक टी, तो पूरे में से पूरा कवर करने वाले में से कितने कवर करने वाला टाइम घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो इतना, ठीक। तो ये कितना है थीटा, अब देखो तो ये पाई, देखो ये पाई सॉरी ये 370 मतलब 3 पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू प्लस ये वाला एंगल। अब ये वाला एंगल कैसे निकाले, तो देखो ये कितना है, अरे ये वाला एंगल मतलब ये वाला एंगल, इसको अल्फा मान लो, ये एंगल अल्फा है तो ये अल्फा होगा, तो अल्फा है ये तो साइन लगाना पड़ेगा इसमें, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा बराबर ए बाई टू अपॉन ए डैश,
साइन अल्फा बराबर ए बाई टू अपॉन ए डैश, तो अल्फा बराबर हो जाएगा थ्री, देखो कितना पूरा टाइम माइनस कितना एंगल कवर करने में टाइम, इतना एंगल कवर करने में टाइम, ठीक। तो टाइम बराबर थीटा अपॉन ओमेगा, तो थीटा कैसे लिखें, तो थीटा ये देखो इतना कितना है थ्री पाई बाई टू और प्लस इतना अल्फा, और तो अल्फा कितना है ये साइन इनवर्स ए बाई टू ए डैश ये, या फिर मैंने पहले अभी लिखा था इतना टाइम कवर करने का, इतना एंगल कवर करने का टाइम फेजर का, तो वो आया था मेरा, मैंने कॉस, इसके लिए कॉस दिखाना पड़ेगा है ना, तो आया था कॉस थीटा, ये लिखा है थीटा बराबर, तो इसका टाइम टी बराबर फिर वही थीटा अपॉन ओमेगा, तो थीटा कितना ये कॉस इनवर्स अपॉन ओमेगा अंडर रूट के बाई एम, ओमेगा बराबर अंडर रूट के बाई एम, क्लियर। तो ये दोनों ही बातें एक है। अब क्वेश्चन में कभी कभी तो वो ऐसे लिख देता है कैसे कि पूरा टाइम माइनस इतना एंगल कवर करने का टाइम, तो आ गया ये टाइम, या फिर सीधा इसी एंगल को कवर करने का टाइम निकाल दो, क्लियर ओके। तो ये एक तरीका ऐसे, ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी मैंने यहां पे ओमेगा को चेंज नहीं करवाया, अब मैं अगले में ओमेगा को भी चेंज करवाऊंगा। चलो भैया, देखिए बेटा मां एक क्वेश्चन करते हैं, बोलो, बहुत जोरदार क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या है, ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, के इसका कॉन्स्टेंट है, ठीक। अब वो कह रहा है कि भैया ये ऑसिलेट कर रहा था, ठीक है, और इसकी स्पीड थी इस तरफ कितनी, जब ये चल ऐसे ऑसिलेट कर रहा था तो इसकी स्पीड थी ए एम्पलीट्यूड से चल रहा था, ये ए एम्पलीट्यूड से चल रहा था, इसका एम्पलीट्यूड था ए। तो क्वेश्चन है अ ब्लॉक कनेक्टेड विद अ स्प्रिंग ऑसिलेटिंग ऑन हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस हैज एन एम्पलीट्यूड ए, हैज एन एम्पलीट्यूड ए, क्वेश्चन लिख लेना, हैज एन एम्पलीट्यूड ए। अब नाउ एक्स बराबर जीरो, नाउ व्हेन द ब्लॉक वाज मूविंग फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, व्हेन द ब्लॉक वाज मूविंग फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन एनोदर ब्लॉक, देखो एनोदर ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम, चलो अलग मान ले रहे हैं, एनदर ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम इज जेंटली पुट ऑन दिस ब्लॉक, ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है, ए ब्लॉक ऑसिलेट कर रहा था और फिर जब ये मेन पोजीशन से गुजर रहा था तब हमने जेंटली इसके ऊपर दूसरा ब्लॉक रख दिया बी, और ये चिपक गया उसके साथ ड्यू टू एनी अदर, या ग्लू वगैरह कुछ लगा होगा या फ्रिक्शन की वजह से चिपक गया, ठीक है ओके। तो चिपक गया, पहले वाला एम्पलीट्यूड क्या था, प्लस ए, और यहां पे एक्स बराबर माइनस ए, ये पहले वाला एम्पलीट्यूड था, दिया है, कह रहा है कि फाइंड द न्यू एंगुलर न्यू टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन एंड न्यू एम्पलीट्यूड, तो फाइंड न्यू एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन एंड न्यू एंगुलर फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड। तो सबसे पहले तो सिंपल बात, न्यू टाइम पीरियड टी डैश बराबर क्या होगा, टू पाई अंडर रूट एम प्लस कैपिटल एम अपॉन के, एम पे डिपेंड करता है ना, तो एम प्लस एम अपॉन के, या ओमेगा बराबर अंडर रूट के बाई एम होता है ना, तो के बाई एम प्लस एम, ये नया ओमेगा डैश आ गया, ठीक, सिंपल सी बात है, ये आप लोग समझ गए होंगे, बहुत छोटी बात है। अब भैया नया एम्पलीट्यूड कैसे निकालें, है ना, तो नया एम्पलीट्यूड हम लोग
कैसे निकालेंगे देखो बताते हैं आपको। तो नया एम्पलीट्यूड के लिए पहले तो आपको बहुत सिंपल सा काम करना है, यहां पे नई वेलोसिटी बताओ पहले कितनी होनी चाहिए, ठीक है? तो पहले पुरानी वाली वेलोसिटी बताओ, तो मैक्सिमम